नॉलेज नहीं। सो सुन लिया, सो स्टार्ट नाउ। सो यार गाइस, हमारे जो रोमन रेंक्स है ना, वो राजा साहब बन चुके हैं। और गाइस उनकी उसके बाद रिएक्शन आ चुके हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे, उन्होंने क्या लिखा है गाइस इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले। और गाइस हमारे द पीपल चैंप रॉक है ना, उनकी जो 25 एनिवर्सरी है ना गाइस, उनको कुछ सुपरस्टार ने, WWE की सुपरस्टार ने ट्रिब्यूट दिया है, मतलब कि उनको काफी सारी इज्जत दी है, उनके जैसा लुक उन्होंने मेंटेन किया है। और दोस्तों कौन से सुपरस्टार है इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले, तो दोस्तों बिना देर कर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइस रेसलिंग से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ में मेरे चैनल पे डालता रहता हूं। चलो दोस्तों हमारे सीधा मुद्दे के बात पे आते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा, जो हमारे पीपल चैंप रॉक है ना, उनकी जो 25 एनिवर्सरी है ना गाइस, उनको ट्रिब्यूट दिया है WWE के सुपरस्टार ने। उनमें से है हमारे टेनन प्रीज, जेलिना वेदा, रिया रिप्ले और गाइस हमारे रिडल ब्रो है गाइस। तो गाइस WWE ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फोटो पोस्ट किए, तो दोस्तों आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। और गाइस इनमें से डेमियन प्रिस्ट को काफी वाह मिल चुके, क्योंकि गाइस उन्होंने वो बेहूब लुक मेंटेन किया है था हमारे पीपल चैंप रॉक का। तो दोस्तों बाकी ये सुपरस्टार है उनका भी लुक अच्छा है, पर गाइस मुझे तो गाइस डेमियन प्रिस्ट का काफी लुक अच्छा मिल चुका है। और गाइस डेमियन प्रिस्ट को सोशल मीडिया पे काफी वाह मिल चुके हैं, बड़ाई मिल चुके हैं। दोस्तों मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइस सर्वाइवल सीरीज के टैग टीम मैचेस के बारे में, मतलब कि उनकी टीम जो है ना वो काफी अपडेट हो चुकी है, वुमेन्स टीम भी और गाइस और मेन्स टीम अपडेट हो चुके। और उनमें से गाइस सैमी ज़ेन वो अपडेट हो चुके, मतलब कि उनको निकाल दिया गाइस, उनकी स्मैकडाउन में हुई थी ना हार्डी के साथ मैच, जो जीतेगा वो स्मैकडाउन टीम से बाद हो जाएगा। तो गाइस वैसे ही सैमी ज़ेन के ऊपर काफी गाइस अन्याय हो रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है सैमी ज़ेन के बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और गाइस जो हमारी स्मैकडाउन की वुमेन्स टीम थी ना, उसमें से आलिया को बैन किया है, मतलब कि उनको निकाल दिया है सर्वाइवर सीरीज के टैग टीम मैच में से। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है सारे अपडेट्स के बारे में, मतलब कि इनको अपडेट करना चाहिए था, इनको निकालना चाहिए था दोनों टीम में से, मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। और गाइस हमारी नेक्स्ट जो अपडेट है वो गाइस अपडेट जुड़ी है हमारे ट्राइबल चीफ भैया के साथ। उन्होंने जो किया था ना सैमी रोड की धज्जियां उड़ाई थी स्मैकडाउन में, और गाइस उनको हराया था ना ताज के लिए, तो गाइस उनको वो ताज इतना प्यारा लगा कि उन्होंने वो घर ही ले गए, मतलब कि उनको इतनी खुजली आई कि उन्होंने वो घर ही ले गए ताज। और गाइस उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट किया है वो फोटो, जिसमें गाइस उन्होंने ब्लड लाइन और पॉल हेमन के साथ उस ताज के साथ एक फोटो खिंचवाए। और गाइस उन्होंने अपना स्लोगन भी बदला है, मतलब कि सोशल मीडिया पे गाइस वी द वंस था, अभी किंग द वंस है, मतलब कि हम ही किंग है, ऐसा उन्होंने लिखा है, मतलब कि ब्लड लाइन के साथ वो खुद को किंग समझ रहे हैं, फिर वन एंड ओनली खुद को किंग समझ रहे हैं। वैसे उनके मन में क्या चल रहा है आई डोंट नो, बट गाइस आई नो उनकी टाइटल की भी भूख है और गाइस क्राउन की भी भूख है, मतलब कि उनको दोनों चाहिए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है रोमन रेंस किंग बनने चाहिए, उनके नाम के आगे किंग रोमन रेंस आएगा तो कैसे लगेगा, आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूँ जल्दी, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।